राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी कब है। बंधुओं, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री क्या होगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, हर माह में दो बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। दोनों ही एकादशियों का व्रत करने से भगवान विष्णु हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, ये आप सभी जानते हैं। एकादशी व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कामदा का अर्थ है कामना पूरी करने वाला व्रत, अर्थात यदि आपकी कोई कामना है तो आप कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। बंधुओं, इस साल कामदा एकादशी 1 अप्रैल शनिवार को आ रही है। इस दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और पापों का नाश होता है। बंधुओं, कामदा एकादशी का मुहूर्त अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। एकादशी तिथि 1 अप्रैल को प्रारंभ होगी 1:58 AM पर और एकादशी तिथि का समापन 2 अप्रैल को 4:19 AM होगा। व्रत पारण का समय 2 अप्रैल को 1:40 PM से 4:10 PM होगा। पारण तिथि के दिन हरि वासर समाप्त होने का समय 10:50 AM होगा। बंधुओं, कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस दिन सबसे पहले जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने, फिर भगवान विष्णु के आगे खड़े होकर दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करें, फिर भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें, भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। माता लक्ष्मी की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। भगवान विष्णु को मौसमी फल अर्पित करें और भगवान को फूल अर्पित करना ना भूलें। हो सके तो भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी सहित गुलाब के फूलों की या फिर गेंदा के फूलों की माला पहनाएं और भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इस बात का ध्यान रहे कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। बंधुओं, एकादशी व्रत पूजा सामग्री में आपको बताने जा रही हूँ। फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। बंधुओं, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, देखना कैसे भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी सहित आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।